मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत कंतेली में भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच लक्ष्मी बेलदार, सचिव नर्मदा सिंह राजपूत और रोजगार सहायक द्वारा ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों के नाम पर अनियमितताएं बरती जा रही है और शासन के लाखों रुपए का बंदरबांट किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर पीएस इल्मा को एक माह पहले ज्ञापन सौंपा था और जांच करवाने की बात भी करी थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज से 14 दिन पहले तो जो शिकायत की थी उसके बारे में आश्वासन दिए थे, अभी तक नहीं बताया है। क्या शिकायत किया था? तो ग्राम पंचायत के मीटर में अपने अभी जो मनरेगा कार्यक्रम चलत रही से तेन में चबूतरा निर्माण हो है, उमा 35-30 मजदूर जात रही है, उमा कम से कम 100 जने के हाजिरी में डलत रही से। और हमार पुराना पूर्व में 2019 में जो 13 सप्ताह गोदी चले रही से उसमें सिर्फ 6 सप्ताह के पेमेंट मिले और 7 सप्ताह पेमेंट नहीं मिले। और उसमें ऐसे फर्जीवाड़ा हो है कि 15-20 आदमी के नाम से कि आज तक कभी जो काम मनाई गए ओखर नाम से 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के फर्जी मास्टर रोल भर के राशि के गबन करे गए हैं। और हम लोग पिछले बार 14 सितंबर को आकर के महोदय से ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन अभी तक उसमें कार्रवाई के लिए और जांच के लिए आश्वासन दिया गया था, जिसका अभी तक जांच हुआ है ना कार्रवाई हुई है, और इसी के चलते हमको दोबारा आना पड़ा है इस बार। ऐसा उसकी बात नहीं है, बहुत सारे शिकायतें होती है, एक दिन में पहले से इतना शिकायत आएंगे, एक दिन में 100 शिकायतें आती हैं तो सारी चीजें नहीं हो जाएंगे। फिर आप कहोगे मुझे आपके शिकायतकर्ता को मौके में बुला के नहीं सुना गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उसके साथ होता है और शिकायतें आते रहती है, जांच होते रहता है।